फ्रेंड्स, सो आवर चैप्टर एक्सपोनेंट्स इज गोइंग ऑन एंड वन एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज मीन्स रूल्स, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट के भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करेंगे आप तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा और बड़े ईजीली आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. तो नंबर वन लॉ है क्या? अगर दो नंबर हैं जिनका बेस सेम है और किसमें है, वो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम है अगर तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ए टू द पावर एम प्लस एन. वेरी इंपॉर्टेंट, दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर टू लॉ है, अगर सेम बेस पर डिवाइड किया जा रहा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इसको सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन है ए टू द पावर एम माइनस एन, यानी डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं. थर्ड लॉ होता है, पावर पर पावर लगी हो अगर इस टाइप से, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है. ये फोर्थ लॉ है, अगर बेस अलग अलग है और बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू बी पावर एम. यही रूल डिवाइड में भी हो सकता है, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एम, तो हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी पावर होल पावर एम. अब सिक्स्थ लॉ में क्या है कि मान लो ए अपॉन बी कोई नंबर है, इसमें पावर माइनस वन लगी है, इसी को कहते हैं हम रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. अगर किसी नंबर में पावर माइनस वन को पावर कहते हैं, माइनस वन पावर को कहा जाता है रेसिप्रोकल. इसका सोल्यूशन कैसे होगा? बी अपॉन ए पावर वन या बी अपॉन ए बन जाएगा. इसी का एक सब रूल बन जाता है, जैसे ए अपॉन बी पावर माइनस एम है, अगर पावर को हम पॉजिटिव करना चाहें तो बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, तो बी अपॉन ए टू द पावर एम बन जाता है. सेवेंथ लॉ, किसी भी पावर पर, किसी भी बेस पर पावर अगर जीरो है, बेस कुछ भी हो, कितना भी हो, तो अगर पावर जीरो लगी है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होगी. दी आर सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इनको आपको नोट कर लेना है, इनको लर्न कर लेना है, इन्हीं का यूज नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करने जा रहे हैं. नाउ ओपन योर एक्सरसाइज 7.2. एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जैसे 3 अपॉन 5 होल पावर 2, इस पर भी होल पावर 3 है. हमने बताया जब बेस एक हो और पावर पर पावर लगनी हो तो पावर पावर का अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 अपॉन 5 पावर 2 इंटू 3, तो ये क्या बन जाएगा? 3 अपॉन 5 पावर 6. ये आंसर हो गया. आपको सिंगल एक्सपोनेंट में आंसर देने हैं. इस प्रकार से आप करते चले जाएंगे, तीनों सेम हो जाएंगे. जैसे सी पार्ट है सी का, -3 अपॉन 4 होल पावर 0, इस पर भी पावर लगी हुई है 8, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई -3 अपॉन 4 होल पावर 0 इंटू 8, तो -3 अपॉन 4 होल पावर 0. और मैंने बताया था आपको लास्ट रूल लॉ क्या है, पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, तो ये आंसर 1 हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, सिंप्लीफाई एक्सपोनेंशियल रेशनल नंबर, तो पावर को ख़त्म कर देना है आपको. कैसे होंगी, कैसे करेंगे हम? लॉ का यूज करके 2 अपॉन 3 पावर 8 इंटू 2 अपॉन 3 पावर -6.
देखिए, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती है, तो ये बन जाएगा 2/3 होल पावर 8 ±6। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 होल पावर 8 ± 6, 2/3 पावर 2, और 2 को तोड़ने के लिए 2/3 × 2/3 मल्टीप्लाई किया तो 4/9, ये आपका रिलेशन नंबर बन गया। इस टाइप से करते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर देना है, यानी पावर लगी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5/7 पावर 6 डिवाइडेड बाई 5/7 पावर 4 डिवाइड में, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ डिवाइड एंड पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो बन जाएगा क्या 5/7 पावर 6 - 4, 5/7 पावर 2, ये आंसर हो गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है आपको। इस टाइप से आप करते जाएंगे। इसका और देख लें, एक सी पार्ट 5/4 पावर 3 मल्टीप्लाई 5/4 पावर 4 डिवाइडेड 5/4 पावर 3 तीनों का बेस सेम है, तो प्लस मल्टीप्लाई जहां वो ऐड हो जाएगा और डिवाइड वाला सब्ट्रैक्ट, तो 5/4 पावर 3 + 4 डिवाइडेड बाय 5/4 पावर 3, ये 7 हो जाएगा, तो डिवाइड में सब्ट्रैक्ट, तो 5/4 पावर 7 - 3 5/4 पावर 4, ये आंसर हो गया आपका। एक और क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट यानी वैल्यू फाइंड करनी है, पूरा सॉल्व करना है। 2/2 × 3/-2 2/-2 × 3/-2 2/-2 × 3/-2 × 4/-2 × 5/-1 और होल पावर दी गई है आपको -1, ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। माइनस को प्लस करने के लिए क्या बताया था, बेस का रेसिप्रोकल, तो 2 की पावर -2 है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 पावर 2 × 1/3 पावर 2 × 1/4 पावर 2 × 1/5। अब देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये 1/2 की 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1/9, 1/16 × 1/5 होल पावर -1। अब इन सब का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, सबका मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या मिलेगा, 1 × 1 × 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 320 × 9 2880 -1। अब इसकी माइनस खत्म करने के लिए फिर से इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2, ऐसे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2880, ये आंसर आपका हो गया है। तो इस टाइप से आप 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।